पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पार्टी के दो प्रवक्ता रागनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस दायर किया, जिसमें अंतरिम राहत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा गया है। रजत शर्मा पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी नायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको इंडिया टीवी के स्टूडियो में गाली दी। इस पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने रागनी नायक के आरोपों का समर्थन भी किया था। इसी मामले को लेकर रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को अपनी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला बताया। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गत दिनों दिल्ली के पुलिस थाने में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ पर केस फाइल कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान रजत शर्मा ने उन्हें गालियां दी। रागनी नायक ने मांग की थी कि रजत शर्मा को इस मामले में बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हालांकि रागनी नायक के आरोपों को इंडिया टीवी ग्रुप ने खारिज किया था। यही नहीं, चैनल की ओर से नायक और कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश को चेतावनी भी दी गई थी कि वे अपने आरोप वापस ले लें। कांग्रेस नेताओं की ओर से आरोप वापस न लिए जाने के बाद अब रजत शर्मा ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शो का एक वीडियो क्लिप भी इंटरनेट पर साझा किया, जिसमें अशब्द कहे गए। हालांकि टीवी पर लाइव प्रसारित किए गए शो के वास्तविक फुटेज में कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहां ये भी तर्क दिया गया कि कांग्रेस नेताओं ने घटना के 6 दिन बाद 10 जून की शाम को सोशल मीडिया एक्स पर उप पोस्ट किया, जिसमें शर्मा पर लाइव टीवी पर नायक को गाली देने के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तत्काल राहत की मांग करते हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पोस्ट के कारण उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां आ रही हैं।